कोशिश तो सब लोग रहता है जब परिवार एक हो जाए, कोशिश रहता है, बाकी ऐसा होने कोई बाहर के लोग बहुत सारा है जो होने नहीं देता है। हमसे किसी से लड़ाई नहीं है, सब हमसे लड़ रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री लोग 40-42 गो मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री सब 22 मंत्री, पूरा विधायक वगैरह वगैरह बहुत सारा नीचे से कार्यकर्ता सब लगा हुआ है, हम ही से सब लोग लड़ रहा है। यहाँ पर बच्चा सबके यूनिवर्सिटी के मांग है, वहाँ पर बहुत 5 साल लगता है दूसरा जगह जाके, यहाँ पर बन जाएगा तो 3 साल में बच्चा कर लेगा सब, आ दूर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर विकास होगा। महिला सबके बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा समस्या है, छोटा छोटा बहुत सारा रहता है, जैसे उद्योग लगाना, कोई कहती है सिलाई हमको सेंटर बना दीजिए, पापड़ है, बहुत सारा है, पापड़ बनाना, अचार बनाना, उद्योग छोटा छोटा उद्योग लगेगा तो सब महिला के कल्याण हो जाएगा। हमारे चैनल पे इस वक्त हम लोग गोपालगंज की धरती पे मौजूद हैं और साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव हैं। तमाम जन समर्थकों के साथ देखिए महिलाएं हैं, कुछ गीत गाते हुए भी नजर आ रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सब महिला लोग के जेंट्स लोग सब लोग भाई बहन सब लोग के हमको समर्थन मिल रहा है। किन मुद्दों के साथ आप इन लोगों के बीच में जा रही हैं, क्या मुद्दा है? विकास ही मेरा मुद्दा है, शिक्षा, रोड, पानी, बिजली सब यही सब है। क्या लग रहा है गोपालगंज में, क्या ऐसी कमी है कि आपको उतरना पड़ा मैदान में? पहले साधु यादव उतरे थे और अब आपको उतारा गया है। यहाँ पर बच्चा सबके यूनिवर्सिटी के मांग है, वहाँ पर बहुत 5 साल लगता है दूसरा जगह जाके, यहाँ पर बन जाएगा तो 3 साल में बच्चा कर लेगा सब, आ दूर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर विकास होगा, हॉस्पिटल बनेगा, तो हॉस्पिटल बनाने के पर बाहर जाना पड़ता है, यहाँ से गोरखपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, तो यहाँ पर बन जाएगा हॉस्पिटल वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह, तो यहाँ पर सुविधा मिलेगी। अच्छा, तो ये जो कॉलेज आप बनवाएंगी या फिर जो यूनिवर्सिटी आप बनवा रही हैं, आप कह रही हैं कि 3 साल में कोर्स पूरा हो जाएगा, क्या लग रहा है, किन फंड से आप निकाल करके बनवा रही हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव भी इधर मेडिकल कॉलेज बनवाने की बातचीत कर बात फंड अब हम जानता हमको जिताएगी तो हम काम लगा के बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपके भांजे भी हैं मैदान में, लड़ाई उनसे है, किन से है? हमसे किसी से लड़ाई नहीं है, सब हमसे लड़ रहा है, दिल्ली सरकार के मंत्री लोग 40-42 गो मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री सब 22 मंत्री, पूरा विधायक वगैरह वगैरह बहुत सारा नीचे से कार्यकर्ता सब लगा हुआ है, हम ही से सब लोग लड़ रहा है। सब आप ही से लड़ाई सबकी? हम ही से लड़ाई सबको है। क्या लग रहा है इस बार मतलब निकल जाएगा सीट यहाँ से गोपालगंज? जनता का मेरी साथ है, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर निकलेगा। अच्छा, महिला हैं आप, महिलाओं की क्या कमी है गोपालगंज में महिलाओं के लिए, जो एक महिला को प्रत्याशी को उतरना पड़ा है, इस बार मोर्चा संभाली हुई है आप, महिलाओं की किन समस्या को दूर कर? महिला सबके बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा समस्या है, छोटा छोटा बहुत सारा रहता है, जैसे उद्योग लगाना, कोई कहती है सिलाई हमको सेंटर बना दीजिए, पापड़ है, बहुत सारा है, पापड़ बनाना, अचार बनाना, उद्योग छोटा छोटा उद्योग लगेगा तो सब महिला के कल्याण हो जाएगा, सब महिलाओं का कल्याण करेंगी। ये बताइए कि आप बोली थी जब ये कर रही थी, नॉमिनेशन आपने कराया था, आपने कहा था कि दीदी से जाएंगे मिलने के लिए, जीजाजी से आशीर्वाद लेने के लिए, गई थी या फिर वो लोग गए? नहीं थे, आप लोग के माध्यम से हम आशीर्वाद मांग रहे थे जी। तो वो अब उनका मर्जी, आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं, ये भी खबरें आ रही थी कि आप लोग मतलब RJD के टिकट से भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव मतलब हम लोग लड़े यहाँ से, ताकि परिवार एकजुट हो, एकजुट होगा तो फिर अच्छे वोट से यहाँ से जीतेंगे। कोशिश तो सब लोग रहता है जब परिवार एक हो जाए, कोशिश रहता है, बाकी ऐसा होने कोई बाहर के लोग बहुत सारा है जो होने नहीं देता है लोग। चलिए, तो हमारे साथ इंदिरा यादव थी और तमाम देखिए महिलाएं हैं, कुछ गीत संगीत भी गाते हुए नजर आए थे और किस तरीके से देखिए तमाम जन समर्थन जो है वो मिल रहा है। हाँ, देखिए महिलाएं जो गीत गा रही थी, हम चाहेंगे कि एक बार
एक बार वो गीत गाए जो आप लोग गा रही थी इंदिरा यादव के समर्थन में, कौन सा गीत गा रही थी? गलियां ना गलियां ना घूमे ले साधुआ भैया, गलियां ना गलियां ना घूमे नी साधुआ भैया, गलियां ना गलियां ना घूमे ली माया उठी दीदी, गलियां ना गलियां ना घूमे नी साधुआ भैया, गलियां ना गलियां ना घूमे ले इंदिरा यादव, गलियां ना गलियां ना घूमे इंदिरा दीदी, ले आइले हाथिया निशाना जी, ले हाथिया निशाना जी, ले हाथिया निशाना चलिए ये महिलाएं हैं और देखिए इंदिरा देवी के समर्थन में ये गीत गा रही हैं, क्या लग रहा है इंदिरा देवी जीत रही हैं? हाँ जीत रही हैं, आप लोग इतना समर्थन दे रहे हैं, बसौले बनी नार पकड़ा पर हमनी के विकास कैले बनी वही से हमनी के और बढ़ाए वही से जितावतनी सन विकास कैल अविनाश के डेट ले बा अभी विकास कैल अभी अधूरा बा उहें के बनवावल नाला हो उहें के देहल लाइन हो उहें के देहल है मेडिकल भवन हो उहें के हॉस्पिटल बनवावले बानी आ जन तुरकहाँ का हाई स्कूल बनवावले बानी तन साधुए जादव के देन हो तो अभी इतना इतना अभी वही बड़ा के विधान भइल भइल अभी नाज ले विधान कोनो ना भइल तो एक चलते हमने के यहाँ का जिताव तनी समझ जौन अधूरा बा तन विकास हो। तो ये महिलाएं हैं जो इंदिरा यादव के लिए वोट मांग रही हैं, गीत गा रही हैं, जो पारंपरिक एक गीत होता है बिहार का वो गीत गा गा कर ये लोग मार रही हैं, यानी कि इनका प्रचार करने का जो तरीका है वो आप देख पा रहे हैं।